फिर आप इंटरव्यू किस बात कर। पुलिस को कई बार बताया जा चुका कि खतरा यति नरसिंहानंद सरस्वती को है, ईंट पत्थरों को इस्लाम के जिहादियों से खतरा नहीं होता। मंदिरों को तो हमारा कत्ल करके वो वैसे ही कब जानेंगे, खतरा मंदिरों को नहीं है, खतरा हमें है। और कहीं भी पुलिस ने हमें सुरक्षा नहीं दी है, ये हमारे षड्यंत्र की कोशिश है। पुलिस पूरी कोशिश करती है कि हम जेल में चले जाएं। कुछ लोग हो सकता है व्यवस्था में कुछ ऐसे लोग हो जिनकी सिंपैथी हमारे साथ हो, लेकिन हम पर मुकदमे कम दर्ज नहीं हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों में हम पर मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, जबकि मुसलमान जिहादी उससे कड़ी बातें कहते हैं, कोई बोलता नहीं है। तुम्हारी हिम्मत नहीं वहां इंटरव्यू लेने की। नेताओं की बात नेताओं से पूछो, मेरी पीड़ा मुझसे पूछो। फिर आप इंटरव्यू किस बात का। पुलिस को कई बार बताया जा चुका कि खतरा यति नरसिंहानंद सरस्वती को है, ईंट पत्थरों को इस्लाम के जिहादियों से खतरा नहीं होता। मंदिरों को तो हमारा कत्ल करके वो वैसे ही कब जानेंगे, खतरा मंदिरों को नहीं है, खतरा हमें है। और कहीं भी पुलिस ने हमें सुरक्षा नहीं दी है, ये हमारे षड्यंत्र की कोशिश है। पुलिस पूरी कोशिश करती है कि हम जेल में चले जाएं। कुछ लोग हो सकता है व्यवस्था में कुछ ऐसे लोग हो जिनकी सिंपैथी हमारे साथ हो, लेकिन हम पर मुकदमे कम दर्ज नहीं हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों में हम पर मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, जबकि मुसलमान जिहादी उससे कड़ी बातें कहते हैं, कोई बोलता नहीं है। तुम्हारी हिम्मत नहीं वहां इंटरव्यू लेने की। तो ये जाफराबाद के अंदर मैं मौजूद था, 25-30 धाम मेरे सिर पे लगे थे, पथराव उधर से हुआ, गोलीबारी उधर से हुआ, दोषी ठहराया गया बहुसंख्यक समाज के शांति से। हमारे हिंदू के बीच में और हिंदू है हमें कुछ समय के लिए छोड़ो, सारे हिंदू को साफ कहते हैं।